हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं क्लास टेंथ प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टैटिक्स लेसन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, फाइंड द मॉड ऑफ फैट कंटेंट। कंटेंट ऑफ फैट परसेंट है 2 to 3%, 3 to 4%, 4 to 5%, 5 to 6%, 6 to 7%। मिल्क कलेक्टेड इन लीटर 30 लीटर है, 70 लीटर है, 80 लीटर है, 60 लीटर है, 20 लीटर है। तो इसके बेस पे हमने ये एक टेबल रेडी कर लिया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप देखिए, जो मिल्क कलेक्टेड है इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे 30, 70, 80, 60, 20। तो बिगर नंबर इसमें 80 है, तो 80 क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी F1। हाईएस्ट जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, F1। और F1 के जस्ट ऊपर रहेगा आपका F0। ठीक है, और जो नीचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, F2। इतनी सी बात है, सिंपल सा। अब जो F1 है उस क्लास को हम ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, उसको बॉक्स में फिल कर देंगे। तो यहां पे देखिए, ये H जो 4 to 5 है, यहां पे L की वैल्यू हो जाएगी 4, लोअर लिमिट L हो जाएगा 4। ओके, और H क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस, 5 और 4 के बीच डिफरेंस 1 का है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। H की वैल्यू क्या है, 1 है, L की वैल्यू क्या है, 4 है, और F1 की वैल्यू क्या है, 80 है, F0 की वैल्यू क्या है, 70 है, F2 की वैल्यू 60 है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में रख के सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो निकालेंगे यहां पे मॉड इज इक्वल टू, L की वैल्यू क्या है, 4 है, प्लस F1 की वैल्यू क्या है, F1 है 80, माइनस F0 70 अपॉन 2 इंटू F1, F1 मीन्स 80, माइनस F0 70, माइनस F2 60 इंटू एच मीन्स H की वैल्यू 1 है, तो यहां पे 1, ये हो गया 4 प्लस 80 में से 70 निकलेगा, 10 हो जाएगा, अपॉन 160 माइनस 70 और माइनस 60 ये ऐड हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। ओके, तो ये 4 प्लस 10 अपॉन 30 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 0.33, ये डिवाइड करने पर आ जाएगा, देयरफॉर 4.33 लीटर, ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था आप सबको। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन आराम से। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने फार्मूले में वैल्यू रख दिया है, मॉड 4 प्लस 80 माइनस 70 किया है, L की वैल्यू 4 थी और F1 की वैल्यू क्या थी, 80 थी, F0 की वैल्यू 70 थी, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 80 माइनस 70 माइनस 60 किया, H की वैल्यू 1 रख दिया, तो इक्वल टू 4 प्लस 80 में से 70 गया 10 हो गया, अपॉन 82 जा 160 माइनस 130, तो ये 10 अपॉन 30 हो गया, 160 में से 130 निकलेगा, 30 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1 में 3 से डिवाइड होगा तो 0.33 आ जाएगा, तो 4 प्लस 0.33 ऐड हो गया, तो आपका मॉड आ गया 4.33 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो एक टेबल ये दिया है, यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, यूनिट में 0 से 20 यूनिट है, 20 टू 40 यूनिट है, 40 टू 60 यूनिट है, 60 टू 80 यूनिट है, 80 टू 100 यूनिट, 100 टू 120 यूनिट है, नंबर ऑफ फैमिलीज है 13, 50, 70, 100, 80, 17। तो यही सेम हमने एक टेबल में यहाँ पे बना दिया, यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 0 टू 20 है, 20 टू 40 है, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120, नंबर ऑफ फैमिलीज है 13, 50, 70, 100, 80, 17, ये हो गया। ठीक है, तो इसके बेस से हमने आपको पहले बताया कि जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो क्या हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो, देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 13 है, 50 है, 70 है, 100 है, 80 है, 17, तो हाईएस्ट क्या है,
100 है, इसको हम क्या बोल देंगे F1। F1 के जस्ट अपर साइड क्या हो जाएगा F0, और लोअर साइड क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा F2। तो F1 जो है उसको आप क्या कर देंगे, बॉक्स में क्लोज कर देंगे। तो ये जो बॉक्स में क्लोज किया इसको बोलते हैं मोड क्लास, और इसमें से जो स्मॉलर है ये क्या हो जाती है लोअर लिमिट, L की वैल्यू 60 हो गई, ठीक है, और H क्या होगा इनके बीच का डिफरेंस, 80 में से 60 निकलेगा आ जाएगा 20, तो H की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 20, H की वैल्यू 20 है, L की वैल्यू क्या है 60 है, और F1 की वैल्यू 100 है, F2 की वैल्यू क्या है 80 है, और F0 क्या है 70 है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग अब ये सारी वैल्यूज आपको क्या करना है, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। फार्मूला है आपका मॉड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो इसमें आप क्या करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एल के प्लेस पे 60 प्लस ब्रैकेट में F1, F1 मींस 100 माइनस F0, F0 क्या है 70 है, अपॉन 2 F1, 2 100 माइनस F0 70 माइनस F2 है आपका 80 मल्टीप्लाई बाई H, H क्या है 20 है, तो 60 प्लस 100 में से 70 निकलेगा 30 हो जाएगा, अपॉन 200 में से 70 और 80 मतलब 150 निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा 50 मल्टीप्लाई बाई 20। ओके, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 60 प्लस 3 4 जा 12, 60 और 12 ऐड हो गया 70, तो मोड क्या आ गया आपका, मोड आ गया 72 यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क। मिल्क लीटर में है 1 से 3 लीटर, 3 to 5 लीटर, 5 to 7 लीटर, 7 to 9 लीटर, 9 to 11 लीटर, 11 to 13 लीटर, और नंबर ऑफ होटल क्या है 7 है, 5 है, 15 है, 20 है, 35 है, 18 है। तो इस सारे टेबल को हमने ऐसा बना लिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ होटल्स क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो इसमें देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, 5, 15, 20, 35, 18, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आपको दिख गई 35, तो इसको हम क्या बोल देंगे F1, और F1 को क्या कर देंगे बॉक्स के अंदर कर देंगे। F1 के ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है आपको पता है, ये हो जाता है F0, और नीचे क्या हो जाता है F2। ओके, यहां पे जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो L हो जाएगी 9, और इनके बीच का डिफरेंस 11 में से 9 निकलेगा 2 आएगा, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, H इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 9, F1 इज इक्वल टू 35, F0 इक्वल टू 20, F2 इक्वल टू 18। ये सारी वैल्यूज आप क्या करेंगे इस फार्मूले में रख देंगे, तो फार्मूले में L की वैल्यू क्या है 9 है, प्लस F1 की वैल्यू क्या है F1 35 माइनस F0 20 अपॉन 2 F1 35 माइनस F0 20 माइनस F2 18 मल्टीप्लाई बाय H, H की वैल्यू 2 है, तो 9 प्लस 35 में से 20 निकलेगा 15 हो जाएगा, 15 अपॉन 35 टू 70, 70 में से 20 निकलेगा हो जाएगा क्या आपका 50, 50 में से 18 निकलेगा क्या आएगा आपका 32 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इसको आप साल करेंगे चाहे रफ में ऐसे कर लीजिए, देखिए 35 टू 70 हो गया, 70 में से 20 निकला ये 50 हुआ, 50 में से 18 निकलेगा क्या हो जाएगा, यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा 4 में से बन गया 3, यही आएगा 32। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस, अब 15 में 16 से डिवाइड करना है, 15 में 16 से डिवाइड करना है, 0 टाइम्स जाएगा तो ये 150 हो गया, 0.16
नाइन जा 144, ये 6 और ये हो जाएगा 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये 9 है तो ये पॉइंट लगा 0 3 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 0.93। इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9.93, ये मोड हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर, ये इतने क्या हो जाएगा लीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। ओके, 9.93 या इसको 9.94 भी कर सकते हैं, बिकॉज ये पॉइंट में इंक्रीज होता जाएगा और वो मोर देन 5 आ जाएगा, इसलिए इसको 9.94 भी लिख सकते हैं। 9.93 लिखा तो भी करेक्ट है। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 200 पेशेंट ट्रीटेड इन हॉस्पिटल इन अ वीक, फाइंड द मोड ऑफ एज ऑफ द पेशेंट। एज गिवन है ईयर में, लेस देन 5 ईयर के जो पेशेंट हैं, 5 to 9 ईयर, 10 to 14 ईयर, 15 to 19 ईयर, 20 to 24 ईयर, 25 to 29 ईयर, और नंबर ऑफ पेशेंट क्या है, 38 है, 32 है, 50 है, 36 है, 24 है, 20 है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीजन यही है कि यहाँ पे ये अनग्रुप्ड है, ग्रुप नहीं है। क्यों ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेस देन 5 है, लेस देन 5 मतलब ये 5 से कम है, मतलब 5 से कम है मतलब ये लगभग 0 to 4 ईयर रहेगा, ठीक है। ये 0 to 4, ये 5 to 9, 9 to 10, यहाँ पे देखिए ये 9 है और यहाँ पे ये 10, अगर ये दोनों सेम रहता है तो ग्रुप बोलते हैं, ये अनग्रुप्ड है क्योंकि यार दोनों क्या है डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को हमने टेबल में बना लिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये लेस देन 5 मतलब 0 to 4 ईयर है, ये क्या है 0 to 4 ईयर है, तो ये 5 और 4 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्रॉस वाले को 5 4 ऐड होगा 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 to 4.5 ईयर, और ये 9 to 9 और 10 है इनको ऐड करेंगे तो 19 होगा, 19 को जब डिवाइड करेंगे 2 से ये हो जाएगा 9.5, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 से 9.5 तक। ओके, और ये सेम ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा, इनके बीच डिफरेंस कितना है आप देख लीजिए, 9 और 4 5 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपका 9.5 से 14.5, और ये 14.5 से 19.5, और ये 19.5 से 24.5, और ये 24.5 से 29.5 तक जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्लास को अनग्रुप्ड से ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जब ग्रुप्ड हो गया है तो इसमें हमारा काम वही है जैसे हम पहले करते थे, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट मींस क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे देखिए 38 है, 32 है, 50 है, 36 है, 24 है, 20, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें क्या दिख रही है आपको 50, ये क्या हो जाएगा आपका F1, और इस क्लास को हम क्या कर लेंगे पूरा मोड क्लास बोल देंगे और इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो अब इस वाले से हमको कुछ लेना देना नहीं है, इस ग्रुप से, इस कॉलम से हमको लेना देना नहीं है, हमको कंटिन्यूअस क्लास से लेना देना है। तो यहाँ पे जो है 9.5, ये क्या हो जाएगा आपका यल हो जाएगा लोअर लिमिट, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है एच, एच है 5, तो यहां से लिखेंगे एच इक्वल टू 5, एल इक्वल टू 9.5, और ऊपर क्या रहता है आपको पता है एफ 0 रहता है और नीचे क्या रहता है एफ 2 रहता है, तो एफ 1 की वैल्यू गिवन है आपको एफ 1 50 है, एफ 0 क्या है एफ 0 है 32, और एफ 2 क्या है 36 है, एफ 2 क्या है 36, तो ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई। तो ये सारी वैल्यूज हमको क्या करना है इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है, एल के प्लेस पे लिखेंगे 9.5 प्लस F1 के प्लेस पे, F1 की वैल्यू है 50 माइनस F0 32 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू 50 माइनस F0 32 माइनस F2 36 मल्टीप्लाई बाई H, H की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पे 5 लिख देंगे, ये हो गया 9.5 प्लस 50 में से 32 निकलेगा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 अपॉन ये 52 जा 100, 100 में से आपको माइनस क्या करना है ये 100 हो गया और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 68 मल्टीप्लाई बाई 5, तो
18590 हो जाएगा ये, 9.5 प्लस 90 अपॉन 100 में से 68 निकलेगा, क्या आ जाएगा आपका ये 10 में से 8 गया 2 और यहां पे 9 में से 6 गया 32, ये आ गया आपका 32। अब क्या करना है, 90 में 32 से डिवाइड कर देंगे। 90 में जब हम 32 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 2.81, और 2.81 और 9.50 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12.31 ईयर। तो मोड आपका क्या आ गया, मोड इज इक्वल टू 12.31 ईयर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 6.3 कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।